आज हम बात करने वाले हैं धीमन एग्रो इंडस्ट्रीज की ओर से आने वाला पावर क्लीनर के बारे में, जो कि आपको मार्केट में मिलता है विश्वकर्मा पावर क्लीनर के नाम से। और इसके जो अधिकृत विक्रेता हैं राजस्थान कृषि संस्थान हरदा, और इनका मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाता है 9425044510। अब अगर बात करें कि ये जो 2022 मॉडल है इसमें क्या क्या कमियां थी, और कंपनी ने वैसे तो इस कमियों को पूरा कर दिया है, लेकिन जिन किसानों के पास ये मॉडल है उसमें कौन कौन सी थोड़े से चेंजेस करके आप अपने मॉडल को या फिर अपने क्लीनर को बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। अभी इसमें जो मोटर है ये सिंगल फेस 2 HP की मोटर है, उसी के साथ में आपको यहाँ पर मिलता है इसका स्विच बोर्ड, एक कंडेंसर से चलता है ये, और इसकी जो हवा है फैन की उसको कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर वाल दिया गया है। अगर हम इसको पूरा ऊपर उठा देते हैं तो ये फुल हवा हो जाती है, और फुल हवा में फिर आपकी जो आपका जो भारी अनाज होता है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। उसी के साथ में अगर हम बात करें तो इसके पीछे आपको जिगजैग में चलने वाले, जैसे आगे पीछे चलते हैं इसके चलने जिगजैग पैटर्न में, जिस तरीके से हाइब्रिड हार्वेस्टर का जो पंखा चलता है सेम उसी कंडीशन में ये भी चलता है। और इसमें आपको 4 चलने लगे हुए मिलेंगे, आप 4 चलने एक साथ चला सकते हैं बिल्कुल बारीक, फिर उसके बाद फिर क्वालिटी बनाना हो तो उसके लिए लगा सकते हैं पूरे सबसे ऊपर, मतलब इसके साथ में आप 4 चलने लगा कर एक बेहतरीन तरीके से इसे क्लीनिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि बिल्कुल 0 वाइब्रेशन के साथ में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा है, क्योंकि कई ऐसे मॉडल रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो पाल हो गई नेट हो गई ये फट जाती है, और कई बार ये भी होता है कि नीचे जो ज़मीन है उसमें भी खड्डा हो जाता है। और इनकी एक और विशेषता है कि इनके जो चक्के लगे हुए हैं इन चक्कों में आपको बेरिंग मिलता है, तो बेरिंग से क्या होता है कि एक किसान भी इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। उसी के साथ में आपको ये PTO ऑपरेट भी मिलता है, आप अगर आपके यहाँ बिजली नहीं है तो आप PTO से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इसमें 3 लिंकेज दिए गए हैं, जो कि आप ट्रैक्टर में आसानी से इसको लिंक करके और एक स्थान से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। उसी के साथ में अगर हम इस वाले साइड से देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो बहुत ज़्यादा हेवी मटेरियल है, जो कि बहुत ज़्यादा मोटा अनाज है, वो यहाँ से बाहर निकलता है। इसके साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कचरा है, तो जिस तरीके का जो कचरा है यहाँ से बाहर आ जाता है, और जो बारीक मिट्टी है रेहूँ है वो यहाँ से नीचे गिर जाती है चलने से। इसमें कंपनी को एक चीज़ और अपडेट करना चाहिए कि जो नीचे वाले रेहूँ हैं उसको एक जगह पूरा इकट्ठा होकर और एक जगह निकले, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से चलता है। अब इसमें अपडेट के बारे में बात करें कि इसमें क्या चीज़ अपडेट की गई है जिसकी वजह से ये बहुत बेहतरीन तरीके से चले। अब इसमें होता क्या था कि ये यहाँ से इसकी बेल्डिंग टूट जाती थी, यहाँ से टूटने की बड़ी समस्या थी, और जो 2022 मॉडल है उसमें इस प्रकार की समस्याएं आई हैं। तो किसानों ने क्या करा कि इसके ऊपर, क्योंकि ये क्या होता था कि बहुत ज़्यादा लंबे साइज़ में है, उसकी वजह से इसके जो दाने थे वो एक साथ यहाँ पर नहीं आते थे, इसलिए इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 2 पत्तियाँ मिलेंगी, 2 पत्तियों से आपका जो मटेरियल सीधा यहाँ पर बकेट में आ जाएगा, और इसके ऊपर से एक चादर मतलब कवर लगा दिया गया है ताकि जो दाने हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर ना जाएं। उसके साथ में इसको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि पत्ती से सपोर्ट दे नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर ये जो ब्रेक पेडल में, ट्रैक्टर के ब्रेक पेडल में जो स्प्रिंग आते हैं पूरी स्प्रिंग की सहायता से एक यहाँ पर डिबरी वेल्डिंग की गई है, दूसरी यहाँ पर वेल्डिंग की गई है, और इसको बहुत शानदार तरीके से सपोर्ट दिया गया है ताकि ये जो झूला है ये बार बार टूटे ना और गिरे ना, क्योंकि कई किसानों के साथ ऐसा हुआ है कि इस मॉडल से परेशान होकर उन्होंने इसको बेच दिया है, सेल आउट कर दिया है। अगर आपके पास भी ये मॉडल है तो आप कुछ इस तरीके से थोड़ा सा चेंजेस करके अपने पंखे को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कंपनी भी इस तरीके से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके और अपना जो मॉडल है उसको और भी ज़्यादा बेहतर बना सकती है। बाकी इसके जो नए क्लीनर आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से चेंजेस करके इन्होंने अपने मॉडल को अपडेट किया है। ये 2022 मॉडल है, इसके बहुत सारे वेरिएंट हैं, और ये कुछ इस तरीके से इसकी क्लीनिंग हो रही है चने की। ये